एस्टैब्लिशमेंट से नहीं पूछता, मेरा काम किसी पिंडी शिंडी से नहीं है, मेरा काम अपने मुल्क के वजीर आजम से है, या इंसाफ दें या अपने ओहदे से आप उतर जाएं। अली अमीन खान गंडापुर ने बात की, कि मेरे सामने कोई प्लान नहीं आया, पाकिस्तान की सलामती पे हमारी जान हमारी आल औलाद कुर्बान है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर पंजाब में कोई ऑपरेशन होता है खुदा न खास्ता, हम उधर भी मुखालफत करेंगे, लेकिन उसका फैसला शहबाज साहब आपकी वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज करेंगी। क्या अली अमीन खान मरियम नवाज के लिए पंजाब के फैसले कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मरियम बीबी आपको भी हक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप फैसले करें। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मर्जी के बगैर मोहतरम वजीर आजम साहब कोई ऑपरेशन कबूल नहीं है। जाए अडियाला में उम्मत का लीडर बैठा है, मलंग आदमी बैठा है, माफ कर देगा, उससे बात करो फिर पाकिस्तान चलेगा। जब तक इमरान खान अडियाला में है पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। इमरान खान के बदन में जो चार गोलियां टांग पे लगी, अगर वो माथे या सीने पे लगती कौन जिम्मेदार होता? इस ऐवान में शहबाज शरीफ साहब आप कोर्ट के इस पे कौम का एतमाद में लेना चाहिए था कि हाँ मेरा इख्तलाफ है इमरान खान से, मैं उसकी सियासत से एग्री नहीं करता, लेकिन वो मेरे मुल्क का वजीर आजम रहा है, आज मैं वजीर आजम हूं, मैं फैसला करता हूं, मैं हुक्म देता हूं, जो हाथ इमरान खान की गर्दन तक गए हैं वो हाथ मैं अपने हाथों से उखेड़ दूंगा। एक पाकिस्तानी से उसकी शनाख्त आप कैसे छीन सकते हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से तो 71 में पाकिस्तान टूटा था। इसलिए इमरान खान आपको कहते हैं कि आप पढ़ो हमूद रहमान कमीशन, वो गलतियां ना दोहराएं जिसकी वजह से एक सियासतदान पे तो इधर हम उधर तुम का नारा और उस पर दाग लगा दिया, लेकिन उस शख्स से नहीं पूछा जिसके नीचे मुल्क दो टुकड़े हुआ था। क्यों जनरल यहया से सवाल नहीं हो सकता? भुट्टो तो पांसी चढ़ गया, इनसे कौन पूछेगा? आप भी तो सताए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ हम तो सताए हुए नहीं है, आप भी तो सताए हुए हैं। अली मोहम्मद साहब का माइक। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। 28 नंबर कट मोशन मैंने मूव की थी जिसका उनवान है कि पाकिस्तान में जो लॉलेसनेस है, बढ़ती लाकानूनियत है, वो आइन पे अमल ना करने की वजह से सारा लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन पे अमल करने में है। जनाब स्पीकर साहब, माजी करीब में जो हुआ है और हमारी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों हमने अपनी आंखें बंद की हैं। और कल तो सुप्रीम कोर्ट में एक मोहतरम जज साहब ने भी ये बात की कि हम जजेस ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। क्या हो गया है? क्या मसला है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान आज आजाद हुआ है? और ये गद्दार की बात कब से शुरू हुई है? कौन है यहां पर गद्दार और किस वजह से कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर अपनी जान की अमान के लिए दर दर छुपना पड़ रहा है? अरशद शरीफ का आखिरी अमल पाकिस्तान में था, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहरा के वो पाकिस्तान से बाहर गया और उसकी बूढ़ी मां के पास उसकी शहीद लाश आई। इमरान रियाज एक साफी है, साफी बरादरी को क्या हो गया है? क्यों आप नहीं बात करते? इमरान रियाज को जो उसके साथ हुआ है, मेरा भाई नहीं है लेकिन मेरे रिश्ते का भाई है, मुसलमान है, जर्नलिस्ट है, हमारे खिलाफ भी बातें की हैं। मुझे आज भी याद है अरशद शरीफ शहीद के साथ उसी के पावर प्ले में बैठ के इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन प्रोग्राम उसने किया, मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन मैं आवाज उठाता हूं कि अरशद शरीफ इस धरती का बेटा था, इस वक्त सिटिंग वजीर आजम फॉर्म 47 के हैं लेकिन ओहदे पे बैठे हैं, एहतराम वाजिब है। फिर भी मैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत थी और अफसार आलम साहब के साथ ज्यादती हुई, मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए थी, आपकी जमात सरापा एहतजाज थी, आप वजीर आजम थे जब अरशद शरीफ शहीद हुआ, आपने क्या किया उसके लिए? उसकी बूढ़ी माँ दर दर फिरती रही, इमरान रियाज के बदन से एहराम खींच के उसको उतार दिया गया, हज पे जाने से रोका गया। किसने रोका? क्या आपके हुक्म से रोका गया शहबाज शरीफ साहब? अगर आप नहीं रोका तो आप वजीर आजम हैं। मैं किसी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं पूछता, मेरा काम किसी पिंडी शिंडी से नहीं है, मेरा काम अपने मुल्क के वजीर आजम से है, या इंसाफ दें या अपने ओहदे से आप उतर जाएं। अगर हमने नहीं किया, हमें भी हक नहीं था, अगर आप नहीं कर सकते आपको भी हक नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है
मफहूम है कि आप जब लोगों को अल्लाह की मसाजिद में जाने से रोकते हैं आप पे अल्लाह का गुस्सा आता है। इमरान रियाज के साथ जो हुआ मैं हैरान हूं, इस्लामिक तारीख में इसकी मिसाल शायद नहीं मिलती कि एक शख्स हज पे जा रहा है क्या कर लेता वो। साबिर शाकिर को देखें, आज मैंने सुना कि कुछ पाकिस्तानियों के आप शिनाख्ती कार्ड बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं मेरे खिलाफ बाकायदा वीलॉग्स करते हैं, मैं नहीं जानता उनको जाती तौर पे, लेकिन एक पाकिस्तानी से उसकी शनाख्त आप कैसे छीन सकते हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से तो 71 में पाकिस्तान टूटा था। इसलिए इमरान खान आपको कहते हैं कि आप पढ़ो हमूद रहमान कमीशन, वो गलतियां ना दो रहे जिसकी वजह से एक सियासतदान पे तो इधर हम उधर तुम का नारा और उस पर दाग लगा दिया, लेकिन उस शख्स से नहीं पूछा जिसके नीचे मुल्क दो टुकड़े हुआ था। क्यों जनरल यहया से सवाल नहीं हो सकता? भुट्टो तो पांसी चढ़ गया, इनसे कौन पूछेगा? आप भी तो सताए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ हम तो सताए हुए नहीं है, आप भी तो सताए हुए हैं। जहां जहां जर्नलिज्म की आज शहबाज साहब की हालत है, वहां आपकी और हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स की क्या हालत है? इसी ऐवान का एक साबिक वजीर आजम, पिछली स्पीच भी मैंने कहा जिस ओहदे पे शहबाज साहब आप बैठ, आखिरी दो मिनट, जिस ओहदे पे शहबाज शरीफ साहब आप तशरीफ फरमा है इसी पे मेरा लीडर इमरान खान भी था। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ये हुआ होता, इमरान खान को दिन दहाड़े साबिक वजीर आजम को गोलियां मारी गई, लॉलेसनेस की बात होती है, हम आज लियाकत अली खान शहीद को रोते हैं, बेनज़ीर साहिबा को रोते हैं। आप मुझे बताएं इमरान खान के बदन में जो चार गोलियां टांग पे लगी, अगर वो माथे या सीने पे लगती कौन जिम्मेदार होता? इस ऐवान में शहबाज शरीफ साहब आप कोर्ट के इस पे कौम का इत्माद में लेना चाहिए था कि हाँ मेरा इख्तलाफ है इमरान खान से, मैं उसकी सियासत से एग्री नहीं करता, लेकिन वो मेरे मुल्क का वजीर आजम रहा है, आज मैं वजीर आजम हूं, मैं फैसला करता हूं, मैं हुक्म देता हूं। जो हाथ इमरान खान की गर्दन तक गए हैं वो हाथ मैं अपने हाथों से उखेड़ दूंगा। पाकिस्तान के वजीर आजम पे पड़ने वाला हाथ रोकना होगा 25 करोड़ आवाम को। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आज जहां हमारी बहन मरियम नवाज वजीर आला है, हालांकि शहबाज साहब आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप मियां साहब मरियम बीबी हमारे ख्याल में, हमारी मालूमात, हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक आप डिसएग्री करें, आप लोग हार चुके हैं लेकिन फिर भी आप बैठे हैं। मैं ये सवाल रखता हूं आपकी वजारत उज़्मा में डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर के साथ क्या हो रहा है, आलिया हमजा के साथ क्या हो रहा है? और तो और एक तरफ हमारा बड़ा भाई बैठे हैं, राणा साहब तशरीफ फरमाएं, राणा साहब ने अच्छी बात की, आपने कहा मुज़ाकरात से मसाइल हल निकालें, लेकिन राणा साहब आप चेक कीजिए, शहबाज साहब आप चेक कीजिए, जब सियासतदान बैठ के मसाइल हल निकालने की बात करते हैं कहीं से कुछ लोग किसी और के भेष में आके हमारे रऊफ हसन को यहां पे छुरी मारते हैं। मैंने खुद देखा है, इतना और ऊपर होता उसकी शहरक कट गई होती। ये क्यों ऐसा हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब, कल अगर अफसार आलम को उठा के अगवा करना गलत था तो आज इमरान रियाज को उठा के अगवा करना भी गलत है। और इसी कुर्सी पे शहबाज शरीफ साहब आपके पुराने साथी हैं, मैं फिर एहतराम का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा, बात करूंगा दलील से। यहां शेख रशीद बैठे होते थे, पूरी कौम देख रही है, मैंने भी जेल काटी है, लेकिन मैं अदालत के नीचे जेल में था, लेकिन वो अल्लाह का वली कहता है मैंने चिल्ला काटा। शहबाज साहब आप पता कीजिए वो कौन लोग हैं, वो जेल में क्यों नहीं था? शेख रशीद जेल में क्यों नहीं था? अगर वो जेल में होता अपना मुकदमा वकीलों के जरिए लड़ता। वो कौन सी ताकतें हैं जो इतने सीनियर सियासतदान को उसको उठा के उसके चिल्ले कटवाते हैं? क्या हुआ? आखिरी बात जी, अली अमीन खान गंडापुर ने बात की, कि मेरे सामने कोई प्लान नहीं आया, पाकिस्तान की सलामती पे हमारी जान हमारी आल औलाद कुर्बान है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर पंजाब में कोई ऑपरेशन होता है खुदा न खास्ता हम उधर भी मुखालफत करेंगे, लेकिन उसका फैसला शहबाज साहब आपकी वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज करेंगी। क्या अली अमीन खान मरियम नवाज के लिए पंजाब के फैसले कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मरियम बीबी आपको भी हक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप फैसले करें। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मर्जी के बगैर मोहतरम वजीर आजम साहब कोई ऑपरेशन कबूल नहीं है। जाए जाए अडियाला में उम्मत का लीडर बैठा है, मलंग आदमी बैठा है, माफ कर देगा, उससे बात करो फिर पाकिस्तान चलेगा। जब तक इमरान खान अडियाला में है पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। यही लाशें हैं, यही लॉलेसनेस है, यही